चाइना लाफ्टर से मास्टर, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपने बीकॉम थर्ड ईयर के जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं, जो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख रहे हैं। तो सेकंड एग्जाम है आपका ये 6 जून को है, हाँ 6 जून को है। तो इसका जो एग्जाम है BCOS 186, बुक का नाम है पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, ठीक है। तो आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपके लास्ट 5 ईयर प्लस असाइनमेंट प्लस बुक में से मैंने सर्च किए हैं और यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सेलिंग सिचुएशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो एक बात और बता दूं, वैसे तो मैंने इसके अंदर आंसर जो डिस्कस किए हैं, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मैंने साथ ही यहाँ पे कुछ पेज नंबर्स भी लिखे हैं, ठीक है। आप उन पेज नंबर्स को अब जैसे मैंने बताया कि मैंने आपके लिए यहाँ पे पेज नंबर भी लिख दिया है, जो आपकी गुणों की बुक है उसके अंदर आपके ये आंसर उस पेज नंबर मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ सेलिंग सिचुएशन, मतलब कि कौन कौन से सिचुएशन टाइप होते हैं इसके बारे में आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है। तो जो हमारी सिचुएशन होती है सेलिंग की, वो हमारी बेस्ड होती है, सबसे नंबर वन पर आता है हमारा बेस्ड ऑन टाइप और कस्टमर, कि भाई हमारा जो कस्टमर है वो कैसा है, पुराना कस्टमर है या फिर नया कस्टमर है। अगर पुराना कस्टमर होगा तो उसके साथ हमें रिलेशनशिप बनाने में कम टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारा न्यू कस्टमर होगा उसके साथ हमें रिलेशनशिप बनाने में, कंजर्वेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी पसंद नापसंद हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। सेकेंड आएगा हमारा उसके अंदर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मार्केट, क्योंकि मार्केट किस टाइप की है। हमारी दो टाइप की मार्केट होती है, आपने देखा होगा, जैसे कि बता देती हूँ, B2B, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, जिसके अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं सीधे कंज्यूमर के साथ अपना बिजनेस या फिर सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं B2B, इसके अंदर क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेसमैन के साथ ही क्या करते हैं, अपने सामान की सेलिंग करते हैं। जैसे कि जो हमारे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, रॉ मटेरियल बनाते हैं, और वो रॉ मटेरियल किसको सेंड करते हैं, सेल करते हैं, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस को सेल करते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा एग्जाम्पल बिजनेस टू बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद आता हमारा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट दो टाइप का हो सकता है, या तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के टाइप का हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट कैसे होंगे, जैसे कि आप बोल सकते हैं जैसे शैम्पू हो गया, खाने का कुछ सामान हो गया, ठीक है, जो हमारा ड्यूरेबल, जैसे कि जो डेली बेसिस पे सामान जो होते हैं ना उसे बोलते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और सेकंड होता है हमारा इंडस्ट्रियल, ठीक है। इंडस्ट्रियल के अंदर क्या आता है, हमारे इंडस्ट्रियल के अंदर आते हैं जो भी क्या बोल सकते हैं, जो हमारे नॉन ड्यूरेबल थिंग्स आती हैं, जिन्हें मतलब कि हम डेली बेस में यूज़ नहीं करते, करते तो हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव चीज होती है, जैसे कि हमारा TV, लैपटॉप, फ्रिज, ये सब क्या होती है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, कौन कौन से टाइप होते हैं, बेस्ड ऑन कस्टमर होता है, बेस्ड ऑन मार्केट होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, मार्केट होती है B2B एंड B2C, एंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स, वो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, जो हमारा सेल्स मैनेजमेंट रहता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। इसका आंसर है आपका 41 पेज नंबर पर, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इन क्वेश्चंस का आंसर इन पेजेस पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्समैन क्या होती है,
आपका जो सेल्स मैनेजमेंट है वो क्या काम करता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला जो उसका काम होता है, सबसे पहला क्या करता है, अटेंड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ठीक है, जिसके लिए हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, उन गोल्स को अचीव करना। सबसे पहला क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला काम क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना। उसका फिर सेकंड इम्पोर्टेंस क्या है, एड्स इन बेटर प्लानिंग, मतलब कि एक अच्छा सा प्लान बनाए जिससे क्या हो, हमारा जो बिजनेस है अच्छे से रन हो, जिसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, हमारे से कि सेल्स प्लान बनाए, सेल्स बजट बनाए, ठीक है, कि किस तरीके से कहाँ पर कितना खर्चा करना है। फिर थोड़ा सा मैक्सिमाइज द सेल, अपने स्मार्ट तरीके से अपने स्मार्ट प्लान्स बनाएगा जिससे क्या होगा, जो सेल्स है हमारी वो इंक्रीज होंगी, ठीक है, सेल्स को इंक्रीज करने में। उसके बाद क्या आएगा हमारा, जो जो भी हम मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से होंगे, कि किस तरीके से वो कस्टमर के पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएगा, क्योंकि सेल्स क्या होती है, कस्टमर को देनी होती है अपने सेल्स, तो उनके पास किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जाएगा वो। फिर क्या होती है, होता है उसका नेक्स्ट स्टेप, जो हमारी सेल्स फोर्स रहती है उसको डेवलप करना, ठीक है। अब उसे डेवलप कैसे करेगा, सेल्स फोर्स कौन होती है, सबसे पहला मीनिंग ये कि सेल्स फोर्स कौन होती है हमारी, सेल्स फोर्स जो होती है वो व्यक्ति या फिर वो पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस या फिर प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इनका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे, ठीक है, उनको मोटिवेट करेंगे इस तरीके से, जिससे क्या होगा वो प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे फर्म के लिए। सेकेंड है बी, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट के स्कोप्स क्या है, स्कोप्स का मतलब होता है दायरा, ठीक है, कि वो किस दायरे में रह के फिर क्या काम करते हैं, एक तरीके से ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके अंदर पहला आता है हमारा सेल्स फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, सेल्स फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे सेल्स हैं उनका जो प्लान है ना, उसको एडवांस में बना लिया जाता है, ठीक है, स्कोप इसका ये होता है सबसे पहला। सेकंड होता है सेल्स टीम स्ट्रक्चर, अब भाई उसने प्लान तो बना लिया लेकिन उसको करने के लिए क्या चाहिए, टीम जनरेट करेगा वो, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएगा टीम का। फिर क्या करेगा, मैन पावर प्लानिंग एंड हायरिंग, अब उसने टीम तो बना ली, अब वो मैन पावर की प्लानिंग करेगा कि किस तरीके से लोगों काम पर लगाया जाए ताकि क्या हो, सेल्स हो। फिर क्या करेगा, उनको ट्रेनिंग दिलाएगा, फोर्थ स्टेप में सेल्स ट्रेनिंग आ जाएगा, फिफ्थ में आएगा हमारा सेल्स एरिया, वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो कहाँ पर हैं, तो उनका एरिया डिसाइड करेगा, उसके बाद उनको मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से उसके 5-6 पॉइंट्स हैं, ये आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 100% करके जाना, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, तो इसके मोस्ट चांसेस हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर नहीं आया तो इस ईयर आ सकता है, ठीक है। थोड़ा माउस में प्रॉब्लम हो रही है, डिफरेंस बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर, हमारे बायर्स एंड कंज्यूमर अलग अलग होते हैं, सबसे पहले ये देखिए, ठीक है, इसका आंसर आप पेज नंबर 79 पर देख सकते हैं, बायर एंड कंज्यूमर, ठीक है। तो बायर कौन होते हैं, बायर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो क्या करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है ये, तो बायर कौन होगा, जो इसे खरीदेगा, ठीक है, बायर ने खरीद लिया, लेकिन जो कंज्यूमर होगा वो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, बायर कभी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करता, वो उसे रीसेलिंग के पर्पस से खरीदता है, लेकिन जो हमारा कंज्यूमर होता है वो अपने कंज्यूम करने के लिए ही खरीदता है, ठीक है। सबसे बड़ा माइनर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, बायर एंड कंज्यूमर के अंदर, ठीक है, याद रखना है कि जो बायर होता है
वो रीसेल करने के लिए प्रोडक्ट को खरीदता है, लेकिन जो सेलर होता है वो कंज्यूमर होता है, वो हमेशा अपने लिए कंज्यूम करने के लिए खरीदता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि जो बायर होता है नीड्स टू बाय प्रोडक्ट और सर्विस, उसको क्या नीड्स होती हैं प्रोडक्ट को बाय एंड सर्विस की। ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर होता है उसे कोई नीड नहीं होती प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करने की। ठीक है, और जो हमारा बायर होता है वो अपने प्रोडक्ट को रीसेल भी कर सकता है, कंज्यूम भी कर सकता है, लेकिन जो कंज्यूमर होता है वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है, और जो प्राइस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा बायर के द्वारा दिया जाता है, लेकिन अगर कोई भी कंज्यूमर है, ज़रूरी नहीं है उसने ही वो ख़रीदा हो और वो ही उसे कंज्यूम करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस मोटिवेशनल टेक्निक, कि भाई कौन कौन सी मोटिवेशनल टेक्निक है जिससे कि जो कंपनी है अपने सेल्स मैन जो रहते हैं उनके जो सेल्स को, मतलब किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, किस तरीके से कंपनी उनको मोटिवेट कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक माइनर डिफरेंस देख लीजिए आप किस तरीके से कर सकती है। या तो वो फाइनेंशियल तरीके से कर सकती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल किस तरीके से आएगा आपका, कि या तो वो क्या करे, अपने जो सेल्स पर्सन हैं उनको कुछ बोनस दे दे, जैसे कि 10% बोनस दे दिया, या फिर कमीशन दे सकती है। ठीक है, प्राइजेस दे सकती है इस तरीके से। ठीक है, और क्या होते हैं नॉन फाइनेंशियल होते हैं, नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि उनको मोटिवेट कर सकती है। ठीक है, और क्या करेगी, जैसे कि आपने देखा होगा मेडल वगैरह भी मिलते हैं, वो सब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, जो भी सेल्स पर्सन अच्छा काम करेगा उसके लिए मेडल बनवा दे इस तरीके से। या फिर आपने देखा होगा कंपनी में एक बोर्ड होता है, उस पर क्या करे, उस पर्सन का नाम लिख दे जो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी लिखा है कि जो फाइनेंस मोटिवेटर्स आते हैं, मतलब जो फाइनेंस तरीके से उनको मोटिव करती है टेक्निक्स, उसमें क्या क्या आता है, रेमुनरेशन क्या होता है, जब तनख्वाह दी जाती है, सैलरी जो दी जाती है सेल्स पर्सन को, उसे रेमुनरेशन कहते हैं। सेकंड आ जाएगा हमारा बोनस, वो ना बोनस दे सकते हैं। ठीक है, बोनस आपको पता क्या होता है, कमीशन दे देंगे, सिर्फ 10% कमीशन दे दी। ठीक है, देन क्या करेंगे, प्रमोशन, जैसे कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जब जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन, तो उनकी पोस्ट में प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो मोटिवेट हों। नेक्स्ट है फ्रिंग बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको एम्प्लॉय है, आपने उसको हॉलीडे पैकेज दे दिया है, गिफ्ट के तौर पर मोबाइल दे दिया इस तरीके से, तो ये सब क्या आते हैं हमारे फाइनेंशियल मोटिवेटर्स थे, इसके अंदर हम फाइनेंस के तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं। फिर आता है हमारा नॉन फाइनेंशियल, जिसके अंदर हमारा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि फर्स्ट आएगा इसके अंदर जॉब सिक्योरिटी, वो क्या करेंगे भाई, अपने सेल्स पर्सन को बोल देंगे कि अब तुम्हारी जो यहाँ पर काम कर रहे हो ये पक्का हो चुका है। ठीक है, आपको कोई भी हटाएगा नहीं। अब मान लीजिए सेल्स पर्सन को पता लग गया कि भाई मेरा काम पक्का हो गया यहाँ पे, तो क्या करेगा, मोटिवेट होगा और अपने काम को अच्छे तरीके से करेगा। फिर आएगा चैलेंजिंग वर्क, इसके अंदर चैलेंजिंग वर्क्स देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उन्हें लगता है कि हाँ ये हम पे फोकस कर रहे हैं तो हम अच्छा काम करें। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज दें उनको, एडवांसमेंट दें। ठीक है, फिर आता है एम्पावरमेंट, जैसे कि मान लीजिए कंपनियाँ बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, तो उन डिसीजन में वो अपने वर्कर्स को शामिल करें, उनकी भी राय लें, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, जिसके अंदर क्या बोल रहा है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा देखा होगा उसके अंदर कुछ इस तरीके से आता है कि नोट्स लिखिए। ठीक है, तो नोट्स आपको लिखने ही ये रहे आपके, जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, आपको पता ही होगा इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं किसी भी सेल्स पर्सन की, वो आपको इसके अंदर लिखनी है। सेकेंड है प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रोस्पेक्टस कौन होता है आपको ये पता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि जो हमारी टारगेटिंग ऑडियंस होती है ना,
एक तरीके से आप उसको प्रोस्पेक्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है जब आप अपने जो टारगेटिंग कस्टमर हैं उनको टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। पर कोचिंग एंड क्वालिफाइंग पर चल कर इसके अंदर हम अपनी जो प्रोस्पेक्ट या फिर जो टारगेट कस्टमर्स रहते हैं उनको अप्रोच कर लेते हैं, उनके साथ जो भी उनके क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। बायर मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? बायर मोटिवेशन उसको बोलते हैं जब जो हमारा कस्टमर जो होता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है या उसको पता रहता है उसकी नीड्स क्या हैं, तो जो सेल्स पर्सन रहता है वो क्या करता है, क्योंकि उसको तो पता रहता है कि जो हमारा कस्टमर है उसे क्या नीड है, चाहिए क्या, उसकी ज़रूरत है, उसे प्रोडक्ट कैसे चाहिए, जो सब कुछ पता रहता है उसके बारे में। तो वो क्या करता है, अपने कस्टमर को मोटिवेट करता है उस चीज़ के लिए, उसे फोर्स करता है ताकि वो जो कस्टमर है उस चीज़ को खरीद सके, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बायर मोटिव को लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी जो वो क्या के बोलते हैं सॉरी डेफिनेशन जो बनेगी उसे बता देते हैं। जैसे कि जो बाइंग मोटिव होता है वो एक फिजियोलॉजिकल ह्यूमन अर्ग बोल सकते हैं, या फिर अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, ए बाइंग मोटिव इज द डिजायर स्टूमल्स थॉट्स अर्ग इंटेंशन फीलिंग्स डेट मेक ए बायर टू बाय ए कमोडिटी। एक तरह की फीलिंग्स होती हैं बायर की जो क्या करती हैं, बायर को चीज़ खरीदने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। ट्रेंड्स इन सेल्स मैनेजमेंट, जो हमारा सेल्स मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या ट्रेंड है, ठीक है, ये आपको बताने हैं इसके अंदर। जैसे कि बहुत सारे ट्रेंड आ चुके हैं इस टाइम पे, वो सब आपको इसके अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट है मैस्लो थ्योरीज ऑफ नीड हायरार्की, ये आप इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना क्योंकि ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैस्लो की जो थ्योरी थी ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सॉरी थोड़ा इंटरफेक्शन हो रहा है। हाँ क्या बोल रहे थे, जो मैस्लो की जो थ्योरी थी नीड्स की वो क्या थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट इसका अगर आपको क्लैरिफिकेशन में देखना हो तो BCOS 186 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे YouTube चैनल पर, उसके अंदर मैंने शॉर्ट्स में इसको बताया हुआ है मैस्लो की थ्योरी क्या थी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। इसके अंदर जो थी सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल थिंग्स आती हैं, जैसे कि इसने बताया था कि जो हमारी नीड्स होती हैं सबसे पहले क्या करता कोई पर्सन है, सबसे पहले अपनी फूड्स की लिविंग की इनकी वो क्या करेगा नीड्स को कम्प्लीट करेगा खाने पीने की, उसके बाद क्या करेगा अपने घर फैमिली इस चीज़ को देखेगा, उसके बाद क्या करेगा अपने सोशल स्टैंडर्ड को देखेगा उसकी उसका स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है। उसके बाद जो उसकी और बन जाएंगी नीड्स, तो इस तरीके से उसने इन सब चीज़ों को डिफाइन किया था अलग अलग उसमें, ठीक है। जो उसकी थ्योरी थी वो वर्क कैसे करती थी, देखो मैं बताती हूँ, उससे पहले जो उसकी थ्योरी थी वो इस तरीके से वर्क करती थी, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले कहता था हमारा खाने पीने का रहने का सामान इस चीज़ की नीड पूरी करेगा, फिर अपनी फैमिली वगैरह की नीड पूरी करेगा, फिर सोसाइटी की नीड्स पूरी करेगा, अपना स्टैंडर्ड देखेगा इसी तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो उसकी नीड्स थी वो बढ़ती रहती थी, लेकिन सबसे पहले कहते थे हमारे रहने सहने की नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सेलिंग, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स, कि जो भी क्वेश्चंस हैं ना ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको 100% करना। और देखो साथ ही मैं आपको एक पेज नंबर भी दिखा रही हूँ ताकि आप इनके आंसर्स अच्छी तरीके से कर सको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल सेलिंग क्या है, रट्टा मार लो इन क्वेश्चंस का, मैं बता रही हूँ रट्टा मार लो पर्सनल सेलिंग क्या है, इसका आंसर 9 नंबर पेज पे भी है, वहाँ से भी देख सकते हो। जो पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या आता है, पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनली जाकर जब आप किसी कस्टमर से इंटरेक्शन करते हो, टू वे कम्युनिकेशन करते हो और अपने प्रोडक्ट को क्या करते हो सेल करते हो, तो उसे क्या बोलेंगे पर्सनल सेलिंग।
ऐसी मत लिख देना जैसे मैं बता रही हूँ, मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आ सके। लेकिन इसको आपको किस में लिखना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ताकि आपको जो नंबर है वो अच्छे मिल सके, ठीक है। पर्सनल सेलिंग बता दिया, एंड इसके नेचर क्या है पर्सनल सेलिंग का। सबसे पहला पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग का नेचर क्या, पर्सनल सेलिंग, आप पर्सनल जाकर सेल करते हो, एंड B2B एंड B2C सेलिंग होती है, बिजनेस टू बिजनेस एंड कस्टमर, ठीक है। या तो बिजनेस के साथ वो अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे, या फिर कंज्यूमर के साथ, तो B2B एंड B2C हो जाएगा इसकी सेकंड नेचर। और क्या है, आर्ट है एंड साइंस है, ठीक है। आर्ट का क्या मतलब, क्या हो रहा है इसके अंदर, जैसे कि आप सेल्स पर्सन है तो आप अपनी कला का उपयोग कर रहे हो इसके अंदर। अब कला का उपयोग कैसे आ रहा, आप इसको ललचा रहे हो किसको, कस्टमर को, कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत अच्छा है, तो क्या कर तू इसे खरीद ले, ठीक है। आप अपनी कला का प्रयोग कर रहे हो। अब साइंस कैसे आ गई, साइंस आप इसमें इस तरीके से आई कि कुछ टेक्निक्स हैं जिसके जरिए आप क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर को उसके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, ताकि क्या करें वो अपने से वो बायर्स क्या करें खरीद ले सामान को, ठीक है। टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी जो बताई हुई थी। देन क्या बोल रहा है, जो सेल्स पर्सन होते हैं मे बी कॉल्ड एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेल्स कंसल्टेंट होते हैं और सेल्स इंजीनियर होते हैं। ये क्या नेचर बता रहे हैं। फिर आता है इसका नेचर, नेचर का आप ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव सेम होता है। देन ऑफलाइन मेथड, ये सब इसके नेचर से हैं, कहीं आप करेक्टरिस्टिक सोचो, ठीक है, नेचर बता रही हूँ। ऑफलाइन तरीके से भी, ऑफलाइन में कैसे होता है, पर्सनल टू पर्सनल, ठीक है। सेकंड क्या होगा, मोबाइल कॉल करके, ठीक है, फोन कॉल करके। फिर आता है आपका नेक्स्ट ऑनलाइन मेथड्स, ऑनलाइन मेथड जैसे कि आपने देखा होगा डिजिटल पर डिजिटल परफॉर्म बोल रहे हैं सॉरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के तरीके आप ज़्यादा आगे हैं, जिससे क्या होता है जो बिजनेस होते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जैसे मीडिया वो हो गए हमारे कोई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक आपने देखा होगा बहुत सारे ऐड चालू होते हैं इस तरीके से। फिर सेलिंग एंड नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़ भी कर लेता है इंसान। सेलिंग एक्टिविटी तो पता है इसके अंदर आप क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है भाई कस्टमर के साथ। लेकिन नॉन पर सेलिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसके अंदर क्या कर रहा है वो कस्टमर के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसे बना रहा है, कस्टमर की नीड्स जान रहा है, कस्टमर किस टाइप की सेटिस्फेक्शन चाहता है वो सब जान रहा है, ठीक है, इसके अंदर आएंगी नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। उसके बाद है हमारी करेक्टरिस्टिक्स, जो कस्टमर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर, बायर सेयर का इंट्रैक्शन होता है, जैसे कि ये बायर है ये सेयर है, ये दोनों मिलेंगे क्या हो गया, इंट्रैक्शन हो गया, ठीक है। थोड़ा मुझे माउस चलाना नहीं आता इसलिए थोड़ा ठीक है समझ जाओ, बस बाय सेल का इंट्रैक्शन हो रहा है। सेकंड क्या हो रही है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है। अब मान लीजिए भाई मैं सेल्स पर्सन हूँ और आप कस्टमर हैं, अब सामान लेकर आए तो आपका मेरा इंटरकनेक्शन हो गया, हम क्या कर रहे हैं कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो क्या होगी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, आप बोल रहे हो कि मुझे ना ये सामान ठीक नहीं लग रहा, मान लीजिए आप लेने आए हो निव्या का, लेकिन मेरे पास निव्या का प्रोडक्ट नहीं है उसका पॉन्ड्स का, तो मैं क्या करूँगी आपको बोलूँगी कि भाई पॉन्ड्स का भी ना अच्छा है इसको ट्राई करो। तो ये क्या हुआ, पुश स्ट्रेटजी, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ आपको जो भी प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए मजबूर कर रही हूँ, ये क्या हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। फिर क्या हुआ, कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, जिसके अंदर क्या होती है अपने मैसेज को शेयर करते हैं, ठीक है, आप अब मेरे साथ अपने मैसेज शेयर कर रहे हैं, मैं अपने आपके साथ, ठीक है, इसी तरीके से। और क्या हो रहा है इसके अंदर, आपने बोला कि मुझे पसंद नहीं है, मैंने बोला कि नहीं ये भी ट्राई करो अच्छा है, तो ये क्या हुआ, मैंने आपको क्विक रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, और आपने चलो ट्राई कर लिया, आपने बोला कि दिखा मैं थोड़ा सा यूज करके देखती हूँ या देखता हूँ, तो आप बोला कि तो अच्छा है, तो क्या हुआ मुझे कस्टमर का जो फीडबैक है वो मिल गया, नेक्स्ट पॉइंट बन गया आपका कस्टमर फीडबैक। फिर क्या हुआ भाई, आपने मेरे से बात की, मैंने आपसे बात की, हमारी थोड़ी जान पहचान बनी, मुझे पता चला कि आपका नेचर कैसा है, मुझे पता चला कि आपकी नीड्स क्या क्या हैं, आपका जो
नज़रिया प्रोडक्ट्स को देखने का वो कैसा है, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो रिलेशनशिप है वो बन गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, रिलेशनशिप बन गई। ठीक है, सारे पॉइंट्स रिपीट करते हैं फटाफट से। बाय सेल का इंट्रैक्शन हुआ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ, कुछ स्ट्रेटजी हुई, कस्टमाइजेशन पर्सनलाइजेशन हुआ। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स मिला मुझे, फीडबैक मिला और हमारी रिलेशनशिप बनी। ठीक है, क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया, नेक्स्ट पे चलें। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बायर्स बिहेवियर। अब इसके अंदर बोल रहा है कि जो हमारा बायर होता है उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स बताओ जिससे कि मैं पता लग सके जो बायर है उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बायर का बिहेवियर बता देता कि क्या होता है। तो कुछ फैक्टर हैं जैसे कि, पहले आप इसको समझो कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि जो हमारा बायर है उससे अपना है वो किन चीज़ों से चेंज होता है। मान लीजिए आप कोई, मान लीजिए चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि आप कुछ सामान खरीदना चाहते हो। ठीक है, अब आप उसे कैसे खरीदोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपका कल्चर क्या है। ठीक है भैया, आप कौन से कल्चर पर रहते हो। ठीक है, आप ये देखोगे सबसे पहले हमारे कल्चर फैक्टर आते हैं। इसके अंदर हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास। ठीक है, कल्चर के अंदर हमारे कल्चर आएगा कि हमारा कल्चर कैसा है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, हमारे एथिक्स क्या हैं, पर किसी किसी का एथिक्स होते हैं कि नहीं हम ये चीज़ नहीं खरीदेंगे। ठीक है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी प्रिफ्रेंसेस क्या है, ये सब किसके अंदर आएगा, हमारा कल्चर के अंदर। फिर सब कल्चर में क्या आएगा, हमारे रिलीजियंस, हमारे जियोग्राफिक ग्रुप्स कौन कौन से हैं, हमारी कास्ट क्या है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि किस कास्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, उनके धर्म रिवाज, जिसके अंदर वो कुछ और सामान से अपना जो भी करते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें हमारे धर्म के अंदर यूज नहीं होते, जैसे कि हम हिंदू हैं, हम किसी और धर्म की चीज़ों का यूज़ नहीं करते तो हम उन्हें क्यों खरीदेंगे। तो ये सब किसके अंदर आएगा, सब कल्चर के अंदर। फिर आएगी हमारी सोशल क्लास, कि हमारी सोशल क्लास कैसी है। सोशल क्लास के अंदर आएगा हमारा कि हमारी एजुकेशन कैसी है। भाई जो ज़्यादा पढ़ा हुआ वो लिखा हुआ कंप्यूटर खरीदेगा, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा हुआ कंप्यूटर किसने खरीदेगा, उसका तो किसी काम का नहीं है। तो इस तरीके से उसकी इनकम क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, इस तरीके से ये सब किसके अंदर आएगा, हमारा सोशल क्लास के अंदर। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है, इसके अंदर देखते हैं हमारे सोशल फैक्टर। ये हमारे पांच फैक्टर हैं जो सब डिवाइडेड है हमारे। पहला हमने कल्चर कर लिया, अब हम सोशल फैक्टर कर रहे हैं। सोशल फैक्टर के अंदर हमारे सबसे पहले आएगा एक पॉइंट है फैमिली। ठीक है, फैमिली इफेक्ट कर सकती है हमारे किसी भी चीज़ खरीदने के लिए, हमारे बिहेव को चेंज कर सकती है। ठीक है, रिफ्रेंस ग्रुप हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारे फ्रेंड कॉलेजेस हो सकते हैं, वो हमारे बिहेव को चेंज कर सकते हैं। बिहेव का मतलब हमारा मन। ठीक है, हम जैसे कि आप बायर हो, आपका मन कैसे कैसे चेंज हो सकता है, ये सब है इसके अंदर। रोल एंड स्ट्रक्चर, सॉरी स्टेटस क्या है आपका, वो सब। अब आप फैमो हो, बोलते हैं टीचर हो, वाइफ हो, हाउस वाइफ हो, डॉक्टर हो, चेयरमैन हो, इस तरीके से। ठीक है, फिर आएंगे आपके पर्सनल फैक्टर कि भाई आपकी एज क्या है, आप अपनी एज के हिसाब से तो सामान खरीदोगे। अब आपकी अगर जब 5 साल पर आप खरीदने चल गए बाइक, ऐसा होगा नहीं होगा ना। फिर आएगा इनकम फैक्टर, आपकी इनकम कितनी है, जो आपकी इनकम के अंडर आएगा वही सामान तो आप खरीदोगे। थोड़ी आप iPhone 14 Pro खरीद के बैठ जाओगे लेकिन आपकी महीने की सैलरी 15,000 है। ठीक है, तो आप अपनी इनकम को भी देखोगे, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है जो आपके लाइफ स्टाइल से फिट करे, फिर आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो ये सब क्या है, आपके फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। फिर आएगा से इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आपका पर्सनल इनकम आएगी। ठीक है, सेकंड आपकी फैमिली इनकम आएगी, फिर आपकी इनकम एक्सपेक्टेशन क्या है वो आएगी, लिक्विड एसेट्स क्या है ये आएंगे, कंज्यूमर क्रेडिट क्या है वो आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आपका आएगा मोटिवेशन। मान लीजिए आपको किसी ने मोटिव कर दिया है, आप संदीप महेश्वरी की वीडियो देख रहे हो, उसने प्रोडक्ट दे दिया कि भाई
ये प्रोडक्ट अच्छा है, उसने आपको मोटिवेट कर दिया, तो आप तुरंत जाके भगोगे उस प्रोडक्ट को लेकर आओगे। ठीक है, किसके अंदर आएगा? फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर, जिसके अंदर इन्फ्लुएंसर रहते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक तरीके से वो सब। आपने किसी चीज़ के बारे में पढ़ा, मैगजीन में पढ़ लिया कि भाई ये चीज़ निकली है नई नई और ये बहुत अच्छी है, तो आप क्या करोगे? तुरंत भागोगे लेने के लिए। किसके अंदर आई? लर्निंग के अंदर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जो हमारे सेल्स रहती है उसकी प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो आपको इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो उससे पहले मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग क्या होता है इसका, सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन का। ए सेल्स प्रेजेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज अ टॉक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट सेल्स पर्सन इज ट्राइंग टू सेल और इंटेंडेड टू परसुएड पीपल टू बाय। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, साफ सरल भाषा में समझते हैं। इसका मतलब ये सेल्स प्रेजेंटेशन का मतलब ये है, जब मान लीजिए जब जो पर्सन है, जो अपने सेल्समैन है, वो क्या करता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बातचीत करता है ताकि क्या हो, प्रोडक्ट बिक जाए। वो कुछ इंफॉर्मेशन भी देता है, ठीक है, कि भाई ये प्रोडक्ट ये है, इसका प्राइस ये है, इस तरीके से इसकी विशेषता ये है। तो ये क्या हुआ, ये सेल्स प्रेजेंटेशन ही कहलाता है, जब कोई सेल्स पर्सन बायर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उससे टॉक करता है। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आप लिख लेना इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला आएगा आपका अट्रैक्टिंग अटेंशन, जो अपना कस्टमर है उसके माइंड को रीड करके उसको सारी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, फिर उसको क्या करेगा, इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, क्या कर सके वो इंसान जो बायर है वो चीज़ को खरीदे, उसे क्या करेगा, अब उसने बातों मत लगा लिया, उसने देख भी लिया कि भाई हाँ ये एक बंदा खरीदने आया है, मान लीजिए कोई बंदा खरीदने आया है प्रोडक्ट, कस्टमर, उसने देख लिया कि अच्छा ये है, ये खरीदने आया है, अच्छा तो इसे ये चीज़ दिखानी चाहिए, उसने सोच लिया। अब क्या करेगा वो, उसका इंटरेस्ट जगाएगा उस चीज़ में कि नहीं भाई साहब ये चीज़ देखो बहुत अच्छी है। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स और हैं, दो तीन वो भी लिख लेना। जैसे कि आपका आएगा इसके अंदर अराउजिंग डिज़ायर। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोस्पेक्ट रहता है वो क्या करता है, नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, अपने सेटिस्फैक्शन दिलाने के लिए उसको क्या बोलते हैं कस्टमर को, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। फिर जो होता है कन्विनेशन बिल्ड करता है। ठीक है, अगर बायर के उसमें कोई डाउट आते हैं तो उनको क्लियर करता है, और क्या करता है जो प्रोडक्ट है उसके बारे में डिस्काउंट वगैरह दे देता है, उसको वारंटी बता देता है उसकी, या फिर जो उससे मान लीजिए कोई कोई चीज़ें होती हैं जिसके अंदर लिख रहा था वार्निंग कि भाई अगर आपने इसका कुछ ज़्यादा इस्तेमाल किया तो हार्म कर सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन को ज़्यादा चार्जिंग पर लगाना चाहिए, फट जाते हैं ज़्यादा तो चाइना के मोबाइल, इस तरीके से अगर कोई वार्निंग होती है तो उसे बता देता है। इस सब किसके अंदर आते हैं, सेल्स प्रेजेंटेशन के अंदर, कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को बैंक के सामने प्रजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, सॉरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स रिपोर्ट। जो हमारी सेल्स रिपोर्ट होती है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसके अंदर हम ये देखेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स रिपोर्ट क्या होती है, सबसे पहले ये इवैल्यूएट द रेवेन्यू जनरेटेड प्रोडक्ट ऑफर बाय द कंपनी। ठीक है, जो प्रोडक्ट हैं ऑफर किए गए हैं कंपनी के द्वारा उनको देखती है, मॉनिटर द स्लो प्लेस वो प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो भी मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है वो मार्केट में चल नहीं रहा, तो क्या करेगी वो, उसको मॉनिटर करेगी सेल्स रिपोर्ट कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, क्यों ये चल नहीं पा रहा मार्केट के अंदर इस तरीके से। और थर्ड क्या करेगी, थर्ड में वो देखेगी कि भाई जैसे कि हमारे कुछ कस्टमर्स रहते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं, ठीक है, तो उनको डिटरमाइन करेगी जो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं आपके, ठीक है, कस्टमर या फिर कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद है आपका
फाइंडिंग मोर सुटेबल प्रोस्पेक्टस एंड डिफरेंट कंसिक्वेंसेस. डिफरेंट टाइप के आपने देखा होगा कि कंपनी क्या होती है, कभी कभी अलग हट के कुछ कस्टमर्स को देखती है ताकि उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में और फीडबैक मिल सके. तो उसी में क्या करेगी, फाइंड करेगी सुटेबल प्रोस्पेक्टस एंड डिफरेंट. ठीक है, इंग्लिश द साइलेंट फ्यूचर ऑफ गुड सेल्स रिपोर्ट. जो हमारी सेल्स रिपोर्ट रहती है उसके क्या क्या फ्यूचर्स हैं एक अच्छी रिपोर्ट के, उसके अंदर ये देखेंगे एक अच्छी रिपोर्ट कैसी होगी, उसके अंदर क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, सॉरी फ्यूचर्स. तो इसके अंदर आप सबसे पहले ये देखिए, जो हमारी रिपोर्ट है ना, सेल्स रिपोर्ट, कहाँ भग रहा है, सॉरी ये ना थोड़ा माउस में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से नहीं हो पा रहा. तो आप उस पर ध्यान मत देना, बस ये देखो जो मैं बोल रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले जो हमारा है ना फोर सी, आप फोर सी ध्यान रखो किसके अंदर, एक सेल्स रिपोर्ट के अंदर, कि एक अच्छी रिपोर्ट कौन सी होगी जो कि फोर सी के रूल को अपनाएगी. ठीक है, अभी फोर सी रूल क्या है, फोर सी के अंदर आएगा क्लियर, मतलब कि क्लियर होनी चाहिए, कौन सी साइज, छोटी छोटी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए. ये चार चीज़ें इसके अंदर जरूर होनी चाहिए. क्यों, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट टू क्रिएट दी रिपोर्ट इन ए मैनर, एक मैनर में बनाई जाती है जिससे कि जो प्रेजेंटेटर होता है उसे भी प्रेजेंट करने में आसानी आती है और रीडेबल भी रहती है वो. ठीक है, ये क्या है इसके फ्यूचर है, किसके, गुड रिपोर्ट के. उसके बाद डिस्कस सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स, सेलिंग क्लोज टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं. मान लीजिए आप प्रोडक्ट खरीदने गए, मैं सेल्समैन हूँ, आपने खरीद रहे हो, आप देख रहे हो कि हाँ और दिखा दो भैया, ये अच्छा नहीं लग रहा और दिखा दो. अब मैं परेशान हो गई, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट दिखा दिया आपको, लेकिन कुछ प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहे हैं, आपने उनको साइड में रख लिया कि ये थोड़े सही से लग रहे हैं मुझे, इन्हें मैं देखूंगा बाद में. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो पता है कि भाई तुम अब बहुत टाइम लगाने वाले हो, तो मैं क्या करूँगी, सेल्स क्लोज करूँगी. सेल्स क्लोज कैसे करूँगी, मतलब कि क्लोज करने का ये मतलब नहीं कि आपको सामान नहीं बेचूँगी, मतलब आपको सामान बेचूँगी लेकिन ये कहकर कि आप कितने में लेना चाहते हो इसको. ठीक है, कितने पैसे में ले सकते हो, या फिर मैं आपको कुछ डिस्काउंट बता दूँगी. ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी चॉइस क्लोज, जिसके अंदर हम प्रोस्पेक्टस से ये पूछ सकते हैं कि भाई आपको कैसा सामान चाहिए, आप अपना ये तो बताओ कैसा चाहिए. ठीक है, फिर आएगा हमारा माइनर पॉइंट क्लोज, जिसके अंदर हम पूछेंगे भाई किस कलर में चाहिए, किस टाइप में चाहिए, ये सब पूछ लेंगे. एज्यूमेटिव क्लोज रहते हैं, जिसके अंदर हम पूछ लेंगे कि भाई आप पेमेंट कैसा करना चाहते हो. ठीक है, कैश करोगे, डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, जो भी होता है इस तरीके से. तो ऐसे बहुत सारे आपकी टेक्निक्स बताई गई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर दी वेरियस स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस इन दी पर्सनल सेलिंग. जो हमारी पर्सनल सेलिंग है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस रहते हैं जिनको डिटेल में बताएं. ठीक है, सबसे पहले होता है प्रोस्पेक्टिंग, अपने पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड करना. अब थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो. सबसे पहले देखते हैं, हाँ देखो 38 मिनट की हो गई है. अपने पोटेंशियल कस्टमर को देखना, उसकी एबिलिटीज और नीड्स को देखना प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है. फिर प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर जो हमारे कस्टमर्स रहते हैं उनके पास पहुँचते हैं. ठीक है, और उनकी जो इंफॉर्मेशन रहती है उनको कलेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद अप्रोच, उनको कॉल करते हैं, एक तरीके से कॉल करके उन्हें बुलाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अप्रोच. फिर प्रेजेंटेशन, इसके अंदर क्या करते हैं, अपने जो क्लाइंट रहता है फिर जो कस्टमर रहता है उसके सामने हम अपने प्रोडक्ट को शो करते हैं. ठीक है, शोइंग. फिर आता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन के अंदर क्या आता है कि कस्टमर के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ क्वेरीज रहते हैं कि भाई ये कैसे वर्क करेगा, इसके फ्यूचर क्या है. तो उन सब क्वेश्चंस को हैंडल करने क्या बोला जाता है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस. क्लोजिंग सेल ही बताया था किस तरीके से क्लोजिंग सेल्स वर्क करता है.
ठीक है, फॉलो अप का मतलब क्या होता है, उससे फीडबैक लेना इस तरीके से, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, जो हमारी पर्सनल सेलिंग है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हमने करेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ ली थी, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। पर्सनल सेलिंग इंट्रैक्शन होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, कुछ स्ट्रेटजी है, कस्टमाइजेशन है, पर्सनलाइजेशन है, उसके बाद ह्यूमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये मोटिव मोर एंगेज हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसे, जन वो क्या बोलते हैं, तुरंत कस्टमर का फीडबैक मिल जाएगा और रिलेशनशिप बन जाएगी। अब उसके एडवांटेजेस क्या है पर्सनल सेलिंग की, इसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेट करने में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि जो हमारा कस्टमर रहता है वो हमारे सामने रहता है इस तरीके से, ठीक है। जो हमारा फोकस रहता है वो हमारे टारगेट कस्टमर पर रहता है, क्योंकि जो हमारे सेल्समैन रहते हैं उनको पता होता है कि जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं वो कहाँ पर हैं, ठीक है। और जो पर्सनल अटेंशन एंड डिटेल प्रेजेंटेशन होती है, मतलब कि ये नहीं है कि 100% को एक साथ हम प्रेजेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट को, नहीं, हम अपने जो हमारा कस्टमर है उसको पर्सनली अटेंड करते हैं, और जो कस्टमर का जो भी प्रोडक्ट चाहता है उसको डिटेल में प्रेजेंट करेंगे उसके साथ, ठीक है। और जो फीडबैक होता है तुरंत मिल जाता है हमें, और जो अटेंशन है कस्टमर की वो ही मिलती रहती है, और एडिशनल टास्क इम्प्रूव हो जाते हैं, जैसे कि बताया था पेमेंट कैसे कलेक्ट करनी है, ठीक है, इस तरीके से सर्विस क्या क्या चाहिए उसे, उसके नीड्स वगैरह ये सब मिल जाती हैं। अब आते हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं पर्सनल सेलिंग की, भाई हायर कॉस्ट है, क्योंकि जो हमारा सेल्समैन है वो घर 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 जाकर इस तरीके से सेल्स कर रहा है, तो इसलिए हाई टर्नओवर चाहिए। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर ही कम है, वो कम पैसे ही कमा रही है, प्रॉफिट कम कर रही है, तो कैसे कर लेगी वो पर्सनल सेलिंग, नहीं कर पाएगी। तो जिस कंपनी के पास ज़्यादा टर्नओवर रहेगा वही कंपनी तो अपना क्या कर पाएगी, पर्सनल सेलिंग कर पाएगी, ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कम्युनिकेशन, कभी कभी क्या होता है जो हमारे सेल्स पर्सन रहते हैं उनको कम्युनिकेट करने में वो डिफ़िकल्टीज रहती हैं, उनको समझ ही नहीं होती कि मैं किस तरीके से हम अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करें, कैसे उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेल्स पर्सन सेल्स पेपर में वेरी इन देयर एबिलिटीज एंड मोटिवेशन, जो हमारे सेल्स पर्सन रहते हैं उनको पास लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, उनके पास इतनी एबिलिटीज नहीं होती, उनको पास इतना मोटिवेशन नहीं होता कि वो सही से वर्क कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द वेरियस क्वालिटीज रिक्वायर्ड बाय द सेल्स पर्सन टू बिकम सक्सेसफुल सेल्समैन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से जो सेल्स पर्सन है हमारा सेल्समैन है वो एक अच्छा सक्सेसफुल सेल्समैन बन जाए। सक्सेसफुल सेल्समैन कौन होगा, जो अपना जो सेल्स है ज़्यादा कर पा रहा है, ठीक है, एक तरीके से जो एक अच्छा लिसनर हो, भाई जब सुनेगा तभी तो कस्टमर को सुनेगा, तभी तो कस्टमर अटेंशन दे पाएगा, जो रेसिलेंस हो, ठीक है। गुड कस्टमर शुड बी एक्सेप्ट फेलियर विदाउट रिपेयर, ठीक है। जो अभी हो रहा है, मान लीजिए कस्टमर है उसने नहीं खरीदा, तो ये नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, अरे भाई इसने तो खरीदा नहीं, तो ऐसा नहीं है। अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करो, ठीक है, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो। गायब हो गया पेज इसका, देख लें ना आप इसको, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे थोड़ा, कोई बात नहीं। एक गुड सेल्स पर्सन मस्ट पोसेस द एबिलिटी टू एनालाइज कस्टमर मोटिवेशन एंड बिहेवियर, जो गुड सेल्स पर्सन रहेगा उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो कस्टमर को मोटिवेट कर सके और उसके बिहेवियर को चेंज कर सके। नेक्स्ट, जो एक सेल्स पर्सन रहेगा उसके पास एबिलिटी सेम आ गया। एक सेल्स पर्सन मस्ट पैसेस कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो एक अच्छा सेल्स पर्सन रहता है उसके पास अपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, उसके पास डीप नॉलेज रहती है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, एम्पैथी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, उसके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, ठीक है, ऑलवेज प्रिपेयर रहता है वह हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिएटिव सेल्समैनशिप, जो क्रिएटिव सेल्समैनशिप होती है वो क्या होती है,
एक्सप्लेन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव सेल्समैनशिप। अब क्रिएटिव सेल्समैनशिप का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम अपने गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, क्रिएटिव तरीके से सेल करते हैं, ठीक है, किसी भी सोसाइटी को, पर्संस को। इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है, जैसे कि वो झूठ नहीं बोलते, कि भाई अपने प्राइस को बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, इस तरीके से नहीं बोलते, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ लेना करैक्टरिस्टिक्स को। फिर आपका कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं, कि भाई डिफरेंस बताओ, ये हमारा डोर इन द फेस टेक्निक एंड फुट इन द डोर टेक्निक। डोर इन द फेस टेक्निक के बारे में पढ़ लेना एंड फुट इन द डोर टेक्निक्स के बारे में पढ़ लेना, इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बता नहीं रही हूँ क्योंकि बोलते बोलते ना गला सूख गया है, पानी भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कुछ डोर्स होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ये इम्पोर्टेंट है, आप कह सकता है डिजिटल मार्केटिंग का आपको पढ़ना है इसके अंदर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है आपको पता ही है, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटल मीडिया के जरिए क्या करते हैं, सेल करते हैं, जिसके अंदर आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, व्हाट्सअप भी है आजकल तो, इस तरीके से यूट्यूब पे भी आप सेलिंग देख रहे हैं। देन ट्रायल क्लोज बताया था, ट्रायल क्लोज के अंदर क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर को सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पूछ के भाई क्या रंग चाहिए, क्या नीड्स हैं उसकी, पेमेंट कैसे करेगा, ये सब कुछ टेक्निक्स थी जो हमने ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चंस खत्म हो गए गाइस, एक बात बता दो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक बायो में दिया हुआ है, वहाँ ग्रुप पे मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, या फिर जो भी आपके टेलीग्राम पर ग्रुप हो होते हैं, जैसे कि बीकॉम वगैरह के एंड व्हाट्सअप पर कोई भी फ्रेंड वगैरह हो, ग्रुप सब में शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। और इन क्वेश्चंस को प्लीज़ 100% रट्टा मार लो, बोर्ड के भी जब जैसे करना वैसे कर लो, क्योंकि आने तो आने ही है, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में भी इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्यों, बस है क्योंकि टाइम नहीं है, उसके अंदर 6 को आपका इसका एग्ज़ाम है, फिर नेक्स्ट भी है BCOE 141 का, तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।